पता बता सकते हो? हाँ जी, ये पता वो सामने वाला घर है। लगता है मिल से वापस नहीं आए। चलो तब तक कुछ खा लेते हैं। नमस्कार अकबर भाई। नमस्कार। क्यों भाई भरत, धंधा पानी कैसा चल रहा है भाई? आपकी दुआ भाई, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अरे बड़े भैया, भाई के लिए स्पेशल पाव भाजी बनाओ। एक बात अपन बोलेगा, तुम ग्रेट आदमी हो, इतना बड़ा डॉन बनने के बाद भी इधर ही पाव भाजी खाने को आता है। क्योंकि मैं अपनी असलियत भूलना नहीं चाहता। ये जगह मुझे मेरे गुजरे हुए दिनों की याद दिलाती है। यहीं से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अरे भाई जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, घबराने की कोई बात नहीं, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं। ओए वाहे गुरु। डॉक्टर, क्या मैं अकबर का बयान ले सकता हूँ? नहीं इंस्पेक्टर, अभी वो बेहोश है। सुबह तक उसे होश आ जाएगा, फिर सुबह आकर आप बयान ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मुझे तो बेचारे का बचना मुश्किल लगता था, लेकिन भगवान का शुक्र है आपने उसे बचा लिया। मैंने नहीं बचाया अकबर, पीर दादा की जान तुमने बचाई। अगर उसे लाने में जरा भी देर हो जाती तो उसका जीना मुश्किल हो जाता। ए, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? जी देवराज साहब। अकबर पीर दादा को जख्मी हालत में तू लाया था? जी साहब। अकबर को कब से जानता है? क्या रिश्ता है तेरा? रिश्ता तो कुछ भी नहीं है साहब, लेकिन एक इंसान होने के नाते उनकी जान बचाना अपना फर्ज समझा। ए डायलॉग मत मार, जब तक अकबर को होश नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? समझ गया सब। मुंडे जी सब, तुम यहीं रहो, अकबर को जैसे ही होश आ जाए मुझे खबर कर देना। ओके सर। क्या अकबर पीरदादा की जान बच गई? ये तो बुरी खबर है चिता। हाँ यशवंत, अकबर पीरदादा के लोगों ने अन्या को पकड़ लिया और उसे ये उबलवा लिया कि अकबर पर हमला हमने किया है तो लफड़ा बढ़ सकता है। तुमने बराबर सोचा है भाई साहब, अकबर पीरजादे से खुल के दुश्मनी करने का वक्त नहीं आया। तुम एक काम करो चिता जी, जाके अन्या पावला को बता दो कि वो कुछ दिन के लिए इंडिया छोड़ के बाहर जाए। ओके भैया। जिन लोगों ने मुझ पर गोलियां चलाई उनमें से मैं किसी का भी चेहरा देख नहीं पाया, इसलिए उन्हें शनाख्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है इस जानलेवा हमले के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? मेरा मतलब है आपका कोई दुश्मन जिस पर आपको शक हो? अकबर पीरजादा सिर्फ शक की बुनियाद पर कभी किसी को मुजरिम नहीं ठहराता। वो आदमी जो आपको जख्मी हालत में यहाँ लाया, आप उसे जानते हैं? नहीं, लेकिन वो जरूर कोई फरिश्ता होगा जिसे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेजा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, बैन ले लिया, अब हम लोग जा सकते हैं? तुम जा सकते हो। चलो। ओए प्रावा, साड़ा वीर तनु मिलना चाहता है। ओए तुम लोग इंतजार करो, मैं मिलकर आता हूँ। ओ अजय छत्तीकर। नमस्ते साहब। नमस्ते।
डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी देवराज। लगता है मुंबई में नए आए हो। जी सरकार, नागपुर से आया हूं काम की तलाश में। क्या काम करना चाहते हो? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बेइंतहा दौलत कमा सको। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आ गए हो। समझ लो अब तुम्हें वो रास्ता मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। मैं पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दुनिया की हर नेमत से मालामाल किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य का वारिस जानशीन नहीं था। आज परवरदिगार ने वो कमी भी पूरी कर दी। जुर्म की दुनिया भरोसे की बुनियाद पर चलती है। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, इसलिए आज से मेरी ये कुर्सी तुम संभालोगे। ओए मेरे वीर, हूं खुश हो जा तो खुश है। ओए दादा वीर दी गद्दी संभाल ले तू। आज से दुनिया तुम्हें देवराज के नाम से नहीं बल्कि मेरे मरहूम गुरु दादा ठाकुर के नाम से जानेगी। कहने को तो ये जुर्म की कुर्सी है, लेकिन इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने हमेशा इंसाफ किया है और इसी कुर्सी के साथ मैं अपने आदर्श अपने उसूल भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ओए वाहेगुरु, साढ़े वीर नो लंबी उम्र दे। ओए दादा ठाकुर आपके आदर्शों और उसूलों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई, एक अच्छी खबर है। जिन्होंने आप पर कतलाना हमला किया था उनका पता चल गया है। अन्ना पावले ने आपके नाम की सुपारी ली थी। वीर तुसी हुक्म करो, मैं अन्ना दी मुंडी कट के लिया ना। नहीं रंजीत, इस सिलसिले में अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज से इस कुर्सी के सारे फैसले दादा ठाकुर करेगा।
ही देखते कल का छोकरा आज का दादा ठाकुर बन गया। अन्या अपना खास आदमी था, उसकी मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। अन्ना बावले की मौत तो सिर्फ शुरुआत है भैया। अकबर पीरजादा इस दादा ठाकुर को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप कहो तो साले इस दादा ठाकुर के ऊपर पहुंचा दूं। दादा ठाकुर अंडरवर्ल्ड का एक नया मोहरा है और नया मोरा कड़क सुपारी के माफिक होता है। अगर दांत के नीचे रख के झटके से दबा दो तो दांत टूट जाता है। दादा ठाकुर का गेम तो अपन लोग खेलेंगे, लेकिन उसके लिए सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। दुश्मन को भूलना या माफ करना हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा अच्छा किया तुमने जो अन्ना पावले को खत्म कर दिया। दादा ठाकुर, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं ये, मगर आज के बाद तुम इससे अपना सच्चा साथी समझना, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वफादार दोस्त कभी भी गद्दारी कर सकता है, मगर तुम्हारा ये ऐसा साथी होगा जो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। लो, आपकी इस नसीहत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है अकबर चाचा। एक बार जो इस रिवॉल्वर को जीने का सहारा बना लेता है, फिर सारी जिंदगी उसको इसी के सहारे जीना पड़ता है। ओए अकबर वीर, आज तो सारे डबल डबल खुशी का दिन है। एक तो सारे दादा ठाकुर को कुर्सी मिली और तू चाहो अन्ना पावले बदमाश मारा गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, यानी इस खुशी के मौके पर एक शानदार जश्न होना चाहिए। बल्ले 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 बल्ले। Thank you.
दादा ठाकुर कहाँ हैं? उनसे कहो देर हो रही है, मंत्री जी से मिलने जाना है। ओए साडा वीर जरा तैयार श्यार होके आ रहा है, हुण आ रहा पाजी। वाह दादा ठाकुर वाह, माशाल्लाह बहुत जच रहे हो। चलो आई आई अकबर भाई, स्वागत है। और तुम बताओ दादा ठाकुर, कुर्सी मुबारक हो, बैठिए। अकबर भाई तो शराब पीते नहीं है, इनके लिए ठंडा लाओ। और तुम बताओ दादा ठाकुर, कौन सी विस्की पियोगे? सॉरी मैं शराब नहीं पीता। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अकबर भाई के उत्तराधिकारी हो के तो अकबर भाई जैसा ही होना चाहिए। तो ठंडा लाओ भाई। और बताइए अकबर भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है जिसमें आपकी थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए। ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए अकबर भाई, ये मंत्री दया शंकर तो आप लोगों का सेवक है, आप आदेश दीजिए। लीजिए ठंडा पीजिए। आपने एसीपी त्रिकाल चौधरी का तो नाम सुना होगा, जो इस वक्त नागपुर में पोस्टेड है। हाँ बहुत अच्छी तरह, एक नंबर का कमीना और घटिया आदमी है। मैं चाहता हूँ कि उसका ट्रांसफर आप यहाँ करवा दें। समझ गया, दो नंबर के धंधे में त्रिकाल चौधरी जैसे घटिया लोग बहुत काम आते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, समझ लीजिए कि उसका ट्रांसफर हो गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग अकबर भाई। गुड मॉर्निंग अमूल बेटे, हम आपके भाई नहीं दोस्त हैं। किस बात की दोस्ती? पापा को तो कभी चाय में नहीं मिलता और आप भी कभी हॉस्टल में मुझे मिलने नहीं आते। अकबर भाई साडा पुत्र सही शिकायत कर रहा है। भाई दादा ठाकुर, अमूल बाबा की ये शिकायत बिल्कुल जायज है, इसलिए आपको हमारे बड़े भाई साहब के लिए हर हालत में वक्त निकालना होगा। आपने ठीक कहा अकबर भाई। बेटे आज से मैं और अकबर भाई दोनों तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय मम्मी। बाय बाय पापा। बाय 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 बेटे बाय।
हर से हर एजुकेशन करने के लिए मैंने इसे अमेरिका भेजा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है ये अपने संस्कार और भाषा को नहीं भूला। ये तो अच्छी बात है माधो साहब, हायर एजुकेशन के लिए लंदन या अमेरिका जाने में कोई बुराई नहीं, बुराई तो इसी में है कि उनकी तहजीब और उनके कल्चर को अपनाने की। आपने बिल्कुल सही कहा दादा ठाकुर। माधव साहब, अब यही बात नई नस्ल को समझाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ माधव साहब, ये मेरी बीवी कामना और मेरी बहन रश्मि। नमस्ते। बैठो बेटी बैठो। रश्मि बिटिया, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। दादा ठाकुर, ये तो आपकी जिद थी जो विवेक बेटे को लेकर रश्मि बिटिया को देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए आप। माधव साहब, मैंने आपको विवेक के साथ यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आपका बेटा मेरी बहन को देखे और पसंद करे, बल्कि इसलिए बुलाया था कि मेरी बहन आपके बेटे को देखकर पसंद या नापसंद कर सके। खैर, आपने अपनी तरफ से रिश्ता तय कर लिया है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हां या ना का फैसला मेरी बहन की मर्जी जानने के बाद ही बताऊंगा। आपने सही कहा दादा ठाकुर, सुखी जीवन के लिए लड़का लड़की का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। खैर, आपकी राय का इंतजार रहेगा मुझे। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। 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 रश्मि, माधव साहब इस शहर के कुछ गिने चुने अमीरों में से हैं। उनके परिवार की समाज में एक पहचान है। विवेक उनका इकलौता बेटा है। मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें विवेक पसंद है या नहीं। जिंदगी का तजुर्बा मुझसे ज्यादा आपको है भैया, मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। हम तो हर हाल में तेरी खुशी चाहते रश्मि, इसलिए तो तेरे भैया को ये जानना है कि तुम्हें विवेक पसंद है या नहीं। जहाँ तक मेरी पसंद का सवाल है भाभी, भैया की पसंद ही मेरी पसंद होगी। सर, I was very happy in Nagpur। मुझे अब तक समझ भी नहीं आया कि मेरा ट्रांसफर यहाँ क्यों करवा दिया गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है मिस्टर चौधरी, आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत सारे ऑफिसर चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर इस शहर में हो जाए, मगर होता नहीं। वो तो ठीक है सर, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरे इस अचानक ट्रांसफर के पीछे कोई बात है। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। आप जानते हैं, हम पुलिस वाले मिनिस्टरों के हाथों की कठपुतलियां हैं। जैसा चाहते हैं हमें न चाहते हैं। थैंक यू सर, आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत है, मैं इस घर का मेहमान थोड़ी हूँ। और आप तो जानती हैं कि मैं त्रिकाल साहब के अंडर में काम कर चुका हूँ। जी हाँ, मुझे पता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि त्रिकाल साहब भी ट्रांसफर होके मुंबई आ गए। हाँ। दरअसल इस शहर को त्रिकाल साहब जैसे एक ईमानदार ऑफिसर की सख्त जरूरत है। भाभी, आपको पता नहीं है आपके पति कितने महान है, मेरे दिल में उनके लिए खास रिस्पेक्ट है। भाई साहब, आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी आप जाइए। एक अमले, तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? अगर त्रिकाल चौधरी इतना ही ईमानदार आदमी है तो तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? अबे साले, तू नहीं समझेगा, मैं जो बोलता है ना उस पर कभी ध्यान नहीं देने का, क्योंकि मेरे दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान में कुछ और होता है। ये तो मैं त्रिकाल साहब की बीवी को मस्का मार रहा था। दरअसल त्रिकाल साहब एक नंबर का हरामी आदमी। गुड मॉर्निंग कामले। सर कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर, यशवंत अन्ना और विकास अन्ना का नाम तो सुना होगा आपने, ये उनका छोटा भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपके ट्रांसफर होकर मुंबई आने की खुशी में यशवंत अन्ना और विकास अन्ना आपसे मिलना चाहते हैं सर। यस, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके।
हाय रश्मि। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानती? हे डोंट से लाइक दैट। लगता है तुम अब तक मुझसे नाराज हो। लुक मिस्टर, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें नहीं पहचानती, फिर मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? रश्मि प्लीज मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम जानबूझकर मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा कभी। विवेक प्लीज, आई डोंट वांट दिस। और तुम जो भी हो, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। वैसे भी ये मेरे मंगेतर हैं और इनसे मेरी शादी होने वाली है। चलो विवेक। जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे अंदर तूफान सा उठ रहा होगा, अनगिनत सवाल जहरीले नाक बनकर तुम्हारे दिलो दिमाग को डस रहे होंगे। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। देखो रश्मि, हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं, इसलिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम्हारा ये कहना एकदम जायज है। मैं खुद भी तुम्हें अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे भैया, जिन्हें लोग दादा ठाकुर के नाम से जानते हैं, दरअसल वो पहले कांस्टेबल थे। भाभी, भाभी, हेलो भाभी जी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये देखो, आपने जो जो सामान कहा था सब लेके आया हूँ। ये लिस्ट है, चेक कर लो। चेक कर लो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जो भी लाए हो बिल्कुल सही लाए हो। वो तो है भाभी जी। गुड मॉर्निंग देवराज भैया। अरे गुड मॉर्निंग सर। अरे ये क्या देवराज भैया, आप में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप एक सरकारी नौकर है और आपको हमारे घर का कामकाज करना शोभा नहीं देता। सुन लो भाभी, इनके घर का मतलब ये घर हमारा है ही नहीं। कौन कहता है कि ये घर तेरा नहीं है? अरे बाबा, मैं तो तुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। सुन लिया मिस्टर इंदर, भाभी की इस बात का कोई जवाब है आपके पास? अरे ये हवलदार अगर अपने ही घर का काम काज करे तो इसमें बुराई क्या है? समझ गया ना? आप लोगों से कोई जीत तो सकता नहीं। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। हेलो, आप कौन साहब बोल रहे हैं? इमले साहब, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। एक मिनट। किसका फोन है देवराज? साहब, इमले साहब का फोन है। हेलो, नमस्ते एमएलए साहब, नमस्कार। रोशनलाल बिल्डर के मर्डर केस में जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो आपका आदमी है? अरे नो प्रॉब्लम सर, वो छूट जाएगा। अरे नहीं सर, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आपने मेरा प्रमोशन करवा के मुझे एसपी बनाया, तो क्या मैं आपके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ? सर आप बेफिक्र रहिए, आपके आदमी को कुछ नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देवराज, यस मैं साहब को डॉक्टर के पास जाना है, तुम उनके साथ जाओ और चेकअप करवाने के बाद उन्हें घर पहुंचा के तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके यस सर। अच्छा, तुमने पढ़ाई भी कंप्लीट कर दी है तो अब आगे क्या करने का इरादा है? पिताजी चाहते हैं कि मैं आईपीएस करूं, लेकिन मुझे आईपीएस बनने का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्या करोगे? मैं एमबीए करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए बिग बिजनेस मैन टू। आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाय बॉब। हाय पिता। इंदर जी। पिताजी इधर आओ। वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? कौन सी लड़की? वही जिसे तुम इतने प्यार से कोका कोला पिला रहे थे। वो देवराज भैया की बहन है रश्मि, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ।
तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। शादी विवाह का रिश्ता हमेशा बराबर के लोगों में होता है। और देवराज, देवराज एक मामूली सा हवलदार है। उसकी बहन किसी भी कीमत पर इस परिवार की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो हमारी तरह अमीर नहीं है। मगर ये आपकी भूल है पिताजी, मोहब्बत को दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, जो प्यार करना जानते हैं वो बड़े से बड़े तूफान से भी टकराना जानते हैं। मैं रश्मि से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ जीने और मरने का फैसला कर चुका हूँ। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। त्रिकाल चौधरी के होते हुए इस घर में किसी और को फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, मान सम्मान और घर की इज्जत के लिए त्रिकाल चौधरी कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो त्रिकाल तुम्हारी रश्मि के लिए काल बन जाएगा। शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून। अगर अपने खून को बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए देवराज की बहन का खून बहाने में मुझे कोई दुख नहीं होगा, मार डालूंगा मैं उसे। पिताजी, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। सोच रहा है बेटे, तेरे पिताजी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं। अगर तुझे रश्मि की जिंदगी चाहिए तो उसे भूल जा बेटे, भूल जा। माँ, तुम भी? बेटे, मैं तेरे प्यार की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे पिताजी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। उनका वादा फौलाद की तरह मजबूत और वक्त की तरह अटल होता है बेटे, जो ना कभी टूटता है ना बदलता है। बेटे, अगर तुझे रश्मि का जीवन चाहिए तो तुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी ही होगी। क्या सोच रहे हो इंदर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हकीकत तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। देखो, पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। यही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। क्या क्या कहा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ हाँ रश्मि, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। नहीं इंदर, इट्स नॉट ट्रू, तुम झूठ बोल रहे हो ना। अपने आप को सच्चाई के आईने में देखने की कोशिश करो रश्मि। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली से हवलदार की बहन हो और मैं अपने करोड़पति माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तो फिर वो सब प्यार की बातें, साथ जीने मरने की कसमें, सब झूठ था, सिर्फ एक नाटक था। और नहीं तो क्या, देखा जाए तो जिंदगी खुद एक नाटक है। दरअसल मैं अपने आप को आजमा रहा था। मैं देखना चाहता था कि एक खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में दीवाना बनाने के मुझ में गट्स है या नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया इंदर, मेरा दिल कोई खिलौना नहीं था जिसके साथ तुमने खेला और तोड़ दिया। कहते हैं टूटे हुए दिल की आह आसमान का सीना छीन कर भगवान तक पहुंचती है, लेकिन मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। लेकिन एक बात याद रखना इंदर, जिस प्यार को आज तुमने ठोकर मारी है एक दिन तुम उसी प्यार के लिए तरसोगे। तमाम उम्र का रिश्ता निभाने वाला बड़े नसीब से मिलता है चाहने वाला। ये बद्दुआ है मेरी, तू भी उम्र भर तड़पे
तन हर लाने वाला। दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं, दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं, दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं, इनका ना कर इनका ना कर एतबार सारे झूठे हैं, दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं, दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं। थाली क्यों? तुम तो जानती हो मैं रेशमी के साथ खाना खाता हूँ। रेशमी कहाँ है? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में सो रही है। तबीयत ठीक नहीं है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो, डॉक्टर के पास ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। हल्का सा बुखार था, मैंने उसे गोली खिला दी है, बस घंटे दो घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ और उसकी हर बात का मैं ख्याल रखती हूँ। चलो अब तुम खाना खा लो। माँ और पिताजी के देहांत के बाद मैंने उसे औलाद की तरह पाला है, अब वो बड़ी हो गई है। सस्ता कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका ब्याह कर दो, उसका घर बस जाए, बस ये आखिरी तमन्ना है। तुम्हें उसके लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है, वो एसपी साहब के बेटे इंदर से प्यार करती है और इंदर भी उसे बहुत चाहता है। लेकिन कमलम, ये एसपी साहब बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब आदमी। मुझे नहीं लगता एसपी साहब इंदर और रश्मि का प्यार स्वीकार करेंगे। यहाँ
रश्मि भैया मुझे मर जाने दो। क्या पागल बने रश्मि, आखिर बात क्या है मुझे तो बताओ। अब बताने के लिए रखा ही क्या है भाभी, सब कुछ खत्म हो गया। इंदर मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन भाभी तुम तो जानती हो ना, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकती, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। ए रश्मि, तेरा भाई जिंदा है रे, मेरे जीते जी तुम्हारा अपनी जान देने की बात जबान पर भी मत लाना। तेरी खुशियों के लिए तेरा ये भाई कुछ भी कर सकता है, फिक्र मत कर, मैं इंदर से बात करता। देखो इंदर, जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं तुम एक अच्छे लड़के, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया जानते हो? आज तुम्हारी वजह से रश्मि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या रश्मि ने? हाँ, वो तुम्हें दिलो जान से चाहती है, तुम्हारे बिना शायद जी भी नहीं पाएगी। और एक बात बता देता हूँ, मेरी बहन की खुशी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। उसकी जिंदगी में जहर खुलने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए देवराज भैया, मैंने रश्मि को झूठ बोला था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। पिताजी ने धमकी दी थी कि वो रश्मि को जान से मार डालेंगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि रश्मि के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए और वो मुझे आसानी से भूल जाए। सच तो ये है देवराज भैया कि रश्मि के बगैर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अगर ये बात है तो अपने देवराज भैया पर भरोसा रख, मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो देवराज सिंह। तुम एक मामूली सा हवलदार, एक गरीब आदमी जिसकी सोसाइटी में न कोई इज्जत है न कोई पहचान। तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी बहन इस घर की बहू बन सकती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। मैंने तो हमेशा आपको बड़े भाई की तरह इज्जत दी है और खुद को इस परिवार से कभी अलग नहीं समझा। अब बोल दीजिए साहब, आपने जो कुछ भी बोला वो झूठ है। मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है। इंसान को अपनी आंखों से बड़ा सपना कभी नहीं देखना चाहिए, और मेरी नजर में गरीबी एक लानत है, और इस लानत को मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकता। इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए साहब, कुदरत कब किसको क्या बना देती है कोई नहीं जानता। ऊपर वाला जब चाहता है ना सब, तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाकर राजा बनने का अपना इंतजार करो, और जिस दिन तुम्हारा भगवान मेहरबान होकर तुम्हें राजा बना दे, फिर अपनी बहन का रिश्ता लेके मेरे घर में आना। Until then, now get out. आपने मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया सर, मैं कोई बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता, दूसरी अपनी बहन की खुशियां चाहता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अपने बहन के सहारे अपना तकदीर बदलना चाहते हो? अगर तुझे बड़ा आदमी बनने का इतना शौक है तो अपनी बहन को दुल्हन बनाकर किसी मंत्री या नेता के सामने पेश कर दे, रातों रात तेरा प्रमोशन हो जाएगा, समझे? मेरी बहन के लिए तेरी जबान पर ऐसे गंदे शब्द आए कैसे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। बास्टर्ड, हट जा। तुमने एसपी त्रिकाल चौधरी पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं देवराज सिंह। ले जाओ इस पागल को, इसी वक्त अभी इसे सर्विस से निकाल दूंगा। ले जाओ इसे। Thank you.
कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ भैया। भूल मैंने की और उसकी सजा तुम्हें मिली। तू शायद इसलिए ऐसा सोच रही है कि मेरी नौकरी चली गई। अरे पगली, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? अब भी इन बाजू में इतनी ताकत है कि मेहनत मजदूरी करके इस परिवार को चला सकता हूं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मैं तेरे लिए खुशियां लाने गया था, खाली हाथ वापस आ गया। फिर भी तू मायूस नहीं होना, तेरा प्यार तुझे जरूर मिलेगा। मैं तेरी शादी इंदर से कराऊंगा। ये नामुमकिन है। इंदर मुझसे बगावत करके भी देवराज की बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। उसके पहले मैं देवराज का खेल खत्म कर दूंगा। तुम सब वही करो जो मैं कहता हूं। यस सर। देवराज सिंह, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। गिरफ्तार करो इसे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये बैग तुम्हारा है, इसमें ब्राउन शुगर है। मैं तुम्हें ड्रग्स स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इस तरह से झूठ है। छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं जानता हूँ ये किसकी चाल है। तो फिक्र मत कर, घर जा। त्रिकाल चौधरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा, चलो। बड़ा घमंड है तेरे को इन बाजुओं पर। हाँ, बहादुर समझता है अपने आप को। तेरी सारी एकड़ी मैं पीछे के रास्ते से निकाल दूंगा साले। ये देख, देख, अभी तक मेरे चेहरे पे निशान है। बड़ा सूरमा समझता है तू अपने आप को साले। ड्रग स्मगलिंग के अलावा तेरे पर कई और चार्जेस डालकर सारी जिंदगी तुझे जेल में सड़ाता रहूंगा साले। आज तक किसी का हाथ मेरे गरीबान तक नहीं पहुंचा। तू एक ही आदमी है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसे यहां से लेकर कहीं दूर चले जाओ। आज के बाद अगर ये शहर में दिखा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? भाभी ठीक कह रही है भैया, तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है कौन? मैंने और भाभी ने फैसला किया है कि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। तुम लोग चाहती हो कि त्रिकाल चौधरी के डर से हम घर बार शहर छोड़कर चले जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। प्लीज भैया मेरी बात मान लीजिए, आपको मेरी कसम। और हमने वो शहर छोड़ दिया। ये सच है कि मैं इंदर से प्यार करती थी, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता से बगावत करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मेरे दिल से उसकी तस्वीर हमेशा के लिए मिट चुकी है। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई वास्ता नहीं है मेरा उससे। ये सब कुछ बताकर तुमने मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली है रश्मि।
मगर जो हुआ अच्छा हुआ। वक्त से पहले ही इंदर की असलियत तुम्हारे सामने आ गई, क्योंकि वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। रश्मि कम ऑन लेट्स गो। दो चेक साइन करने के, 2 लाख का अनाथ आश्रम वास्ते और 5 लाख का मंदिर वास्ते। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो जी। थैंक यू सर। नमस्ते अजीत दादा ठाकुर। मैं तुम्हें कह रहा थी। आइए आइए माधुर साहब आइए। नमस्ते दादा ठाकुर। बैठिए। बैठो जी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ दादा ठाकुर। मैं दादा ठाकुर के होते हुए आप मुसीबत में हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपना भांडुप वाला गोदाम संजय परमार नाम के एक आदमी को भाड़े पे दिया था। बाद में पता चला कि यशवंत अन्ना का आदमी है। उसने अपने नाम से गोदाम के जाली पेपर बनवा लिए। वो अपने आप को गोदाम का मालिक कहता है। आजकल यशवंत अन्ना का छोटा भाई चीता ने भी उस गोदाम में अपना अड्डा बना रखा है। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आप फिक्र मत कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका गोदाम खाली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीते तू आ गया मरने के लिए। ओए बदमाश, मैं तनु नहीं छटांगा। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम चीता कैसे रख दिया। तू तो मुझे भागने वाला जानवर लगता है। संजीते ये पट्टा इसके गले में बांध दो। नाम चीता रख लेने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। इस पिल्ले को अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रख और इसे समझाना कि इसके खिलाफ दोबारा मेरे पास कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि अदालत से जब किसी को सजाए मौत मिलती है तो राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील करके मौत से बच सकता है। लेकिन दादा ठाकुर जब किसी को मौत की सजा सुनाता है तो उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े शर्म की बात है ये, दादा ठाकुर मुझे कुत्ता बनाकर यहाँ छोड़ गया और तुम दोनों नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहे। साले को गोली से भून कर दिया। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो ये धंधे के मैटर को समझ सको। दादा ठाकुर को हम इसका जवाब देंगे, मगर इसके लिए राइट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। क्या खाक इंतजार करना पड़ेगा यशवंत? अन्ना कंपनी के मुंह पर थूक कर चला गया वो। कल तक अकबर पीड़िता के टुकड़ों पर पलता था और आज अके मुंबई पर राज कर रहा है। इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा यशवंत। सोचना क्या है भाई साहब,
उसने अन्ना कंपनी से पंगा लिया है। अब किसी भी टाइम उसका लाइफ का स्विच ऑफ हो सकता है। चलो, एसीपी त्रिकाल अपने बंगले पर हमारा इंतजार कर रहा है। आज बहुत ही शुभ दिन है सर। जुर्म और कानून के बीच दोस्ती की शुरुआत हो रही है। इस शुभ अवसर पर अन्ना की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार की। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। एनी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम दादा ठाकुर है त्रिकाल साहब। 2 साल पहले तक मुंबई में अन्ना कंपनी का राज चलता था, और आज हमारे गैंग को ओवरटेक कर दादा ठाकुर नंबर 1 पर आ गया। और अब उसके अंदर इतनी डेरिंग आ गई है कि उसने मेरे भाई को मारा। सिर्फ मारा ही नहीं त्रिकाल साहब, बेचारे के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर हमारे घर पर छोड़ गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है अन्ना, क्योंकि आज से त्रिकाल चौधरी तुम्हारे साथ है। जिस दिन दादा ठाकुर कानून की गिरफ्त में आया, उस दिन उसके गले में कानून का पट्टा बांधकर उसे कुत्ते की तरह सारे शहर में घुमाऊंगा। सत श्री अकाल साहब जी, ए दादा ठाकुर ने तुम्हारे वास्ते इनविटेशन कार्ड भेजेगा। आज शाम ही उन्होंने पहन दी सगाई है, जब तुम आ गए तो उन्होंने बड़ी खुशी होनी। ओके। अच्छा जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। दादा ठाकुर ने इनविटेशन भेजने में थोड़ी सी देर कर दी। उसे मालूम नहीं कि हम उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिला चुके हैं। अच्छा साहब, हम चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय बाय। दादा ठाकुर से खुलकर मुकाबला करने का टाइम अब आ गया है। मेरे ख्याल से एक एक करके उसके खास आदमियों को टपका देना चाहिए। दुश्मन के पास अगर ताकत के साथ साथ दिमाग भी हो तो वार उसके हाथ पे नहीं, गर्दन पे करना चाहिए। पुलिस और कानून से अब अपने को कोई खतरा नहीं। चीता, तू एक काम कर, अब दादा ठाकुर पे फील्डिंग लगा दे, जैसे ही मौका मिले उसे टपका दा। ठीक है भाई। एसपी साहब आए। वेलकम वेलकम मिस्टर त्रिकाल चौधरी। लगता है तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही है त्रिकाल चौधरी। ये वही हवलदार देवराज सिंह है जो तुम्हारे जुल्म की चक्की में पिसने के बाद आज दादा ठाकुर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। हालांकि आज तुम्हारी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपने पुराने दिनों को भुला नहीं और आज इस खुशी के मौके पर तुम्हें याद कर लिया। इनसे मिलो, मिस्टर डी के माथुर, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन, सिर्फ 5,000 करोड़ के आदमी हैं। इन्हीं के एकलौते बेटे के साथ आज मेरी बहन की सगाई होने जा रही है। तुम्हारी तरक्की देखकर खुशी हुई, मगर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे कामयाबी की इमारत एक बारूद के ढेर पर खड़ी है। कानून की हल्की सी चिंगारी तुम्हें और तुम्हारे नाम को मिटा सकती है। कानून सिर्फ कमजोरों और मजबूरों को मिटा सकता है त्रिकाल चौधरी। हम जैसे लोगों के सामने कानून और कानून वालों को झुकना पड़ता है। समय की कोख से जन्म लेने वाले इस ज्वालामुखी का नाम है दादा ठाकुर। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इसके साए तक कुछ हो सके। अरे, तुम्हारे माथे से पसीना छूट रहा है त्रिकाल चौधरी। वैद्य साहब को बिहार दो। उठा लो त्रिकाल चौधरी,
इस वक्त तुम्हें ठंडी बियर की सख्त जरूरत है। कम ऑन। ठीक है, वो फाइल हम देख लेंगे। हाँ, हेलो मिनिस्टर। If you don't mind, मैं रश्मि से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें हैरत हो रही होगी कि तुम्हारे घर का पता कैसे मिला मुझे, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है रश्मि। प्यार करने वाले अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूं जो अपनी मंजिल के पास आकर भी उससे दूर हो गया। बाय द वे, जिंदगी का नया सफर तुम्हें मुबारक हो। तीनों हजरात, इस मुबारक मौके पर आप सबका इस्तकबाल करते हुए मुझे बे इंतहा खुशी हो रही है। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैं अपनी बहन रेशमी और मिस्टर माथुर के बेटे विवेक की सगाई का ऐलान करता हूं। मैं आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आज इस खुशी के मौके पर आकर हमारी खुशियां और बढ़ा दी।
काल चौधरी को अपने सामने एक बेबस और कमजोर इंसान की तरह खड़ा देखकर आज इतनी खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकता। अकबर भाई, तुम्हारा खुश होना बिल्कुल जायज है। त्रिकाल चौधरी का यहाँ ट्रांसफर कराने का तुम्हारा क्या मकसद है वो मैं अच्छी तरह जान गया। मकसद बहुत साफ है अकबर भाई, त्रिकाल चौधरी से उसके हर जुल्म का हिसाब लेना है मुझे। अकबर भाई शायद इतने ही दिन का साथ मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं अकबर भाई, आपको कुछ नहीं होगा। इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है, लेकिन मौत के आगे उसे हारना ही पड़ता है। अपना ख्याल रखना। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نہیں آنٹی، آپ کو تو معلوم ہے میں تب سوؤں گا जब अकबर चाचा मुझे कहानियां सुनाएंगे, तभी मुझे नींद आएगी। पापा, अकबर चाचा अभी तक क्यों नहीं आए? वो अब कभी नहीं आएंगे बेटे। क्यों नहीं आएंगे पापा? वो हमसे नाराज होकर चले गए। कहाँ चले गए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। वो जहाँ गए हैं वहां से कोई वापस नहीं आ सकता बेटे। रात बहुत हो गई है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। गुड नाइट। तुम्हारी खामोशी के पीछे जो सवाल छुपा है वो मैं जानता हूं कामना। यही सोच रही हो ना कि जिन गोलियों ने अकबर पीरजादा को मौत की नींद सुला दिया वो मुझ पर चलाई गई थी। ये जिंदगी एक जंग का मैदान है। यहां सर उठाकर जीने के लिए इंसान को हर कदम पर लड़ना पड़ता है, कभी वक्त के साथ, कभी हालात के साथ और कभी मौत के साथ। मैं अमोल के बारे में सोच रही हूँ। मेरी नजर में उसका भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल है। जुल्म के साए में पलकर जब वो बड़ा होगा तो शायद वो भी तुम्हारे रास्ते पर चल पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अकबर पीर जादा का उत्तराधिकारी दादा ठाकुर बना और दादा ठाकुर की कुर्सी का वारिस अमोल बनेगा। लेकिन मैं अपने बेटे के माथे पर मुजरिम लिखा हुआ नहीं देखना चाहती। मैं ये नहीं देखना चाहती कि जिस तरह हमारी जिंदगी मौत के साए में गुजर रही है उसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी गुजरे। ऐसा तुमने क्यों सोच लिया कि हमारा बेटा बड़ा होकर मेरी कुर्सी पर बैठेगा?
ऐसा कुछ नहीं होगा कामना। हमारा बेटा बड़ा होकर दादा ठाकुर नहीं देवराज बनेगा, एक सच्चा और अच्छा नागरिक। मगर ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए अपना रास्ता बदल दो। ये नामुमकिन है कामना। ये वो रास्ता है जिसके दाएं बाएं और पीछे मौत की गहरी खाई है। एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो ना पीछे मुड़कर देख सकता है और ना रास्ता बदल सकता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ आगे ही चलना है। देख चीता, दादा ठाकुर अकबर पीर दादा को अपने बाप का माफक समझता था। अगर उसने तुझे पहचान लिया होगा तो तेरा बचना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मान, दो चार महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मुंबई में चुपके रहना भी रिस्क है चीता, इसीलिए मैंने तेरे को मॉरिशस भेजने का फैसला किया। इसका मतलब ये मत समझना कि हम दादा ठाकुर से डर गए। जुर्म की दुनिया में वक्त और मौके के हिसाब से चलना पड़ता है। ये लो टिकट, शाम के फ्लाइट से निकल जाना। ठीक है भैया। दादा को मार कर तू जिंदा नहीं रह सकता। चल। हेलो यशवंत दियर। हेलो भैया, मैं चीता बोल रहा हूँ भैया। चीता कहाँ से बोल रहा है? जिंदगी से दूर, मौत के करीब। तेरा भाई इस वक्त दादा ठाकुर के कब्जे में है। लेकिन दादा ठाकुर, ये ठीक नहीं है। आखिर मेरा भाई का कसूर क्या है? क्या किया उसने? अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो 10 मिनट के अंदर मेरे फार्म हाउस पर आ जा, वरना तेरे भाई की लाश मिलेगी। क्या बात है यशवंत? दादा ठाकुर ने चिता को किडनैप कर लिया। जल्दी चलो भाई साहब। और उसके भाई दादा ठाकुर, चीता कहाँ है? तेरा चीता चीता पर लेटा है, मौत निकल गई उसे। वो देख। चीता, मेरे भाई। क्या हुआ? मैं जानता हूं इस समय तुम दोनों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जिस वक्त अकबर पीरजादा की लाश कब्र में उतारी जा रही थी उस वक्त मैं भी बहुत रोया था। वो मेरे लिए बाप के बराबर थे। तेरे भाई ने मेरे सर से बाप का साया छीन लिया। मैं चाहता तो इसकी लाश को जंगल में फेंकवा देता, जहां जंगली जानवर चीर फाड़ कर इसे खा जाते, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मरने वाले का अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। क्या
चल अपने चीता की चीता को आग लगा दे। यहां से जाने के बाद एक बात याद रखना, ये शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। तुम्हारे भाई की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ अन्ना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने दादा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। कंप्लेंट लिखाने से क्या होता है, तुम लोग उसे गिरफ्तार करेंगे, बाद में वो अदालत से जमानत पर छूट जाएगा। क्योंकि अदालत में सबूत और गवाही की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है, और हमारी गवाही अदालत में मानी नहीं जाएगी। इनका ये पॉइंट भी ठीक लगता है सर, लेकिन आप लोग चुप बैठ जाएंगे तो दादा ठाकुर की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उसने आज चीता को टपकाया, कल आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। मुझे तो लगता है वो अन्ना कंपनी को जड़ से मिटा देना चाहता है। अन्ना कंपनी कोई फुटपाथ की दुकान नहीं जो दादा ठाकुर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी की तरह आके उसे उठा के फेंक दे। हमसे टकराना उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कसम खाई है कामले कि पहले हम दादा ठाकुर के खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे, बाद में चिता का श्राद्ध करेंगे। तुम्हारी ये कसम बहुत जल्द पूरी हो जाएगी अन्ना, क्योंकि अब दादा ठाकुर को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन की एंगेजमेंट में बुलाकर उसने जो मेरी बेइज्जती की मैं आज तक नहीं भूला। पुलिस की ताकत का सही अंदाजा नहीं है उसे, मैं उसके साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। दादा ठाकुर हम उसी के बचा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो त्रिकाल है। क्यों त्रिकाल चौधरी, चीता के खून के जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने आए हो? गिरफ्तार करने नहीं, खबरदार करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा गुंडा राज शहर में नहीं चलने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला मैं शहर से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। हाथ उठाकर आसमान छूने की बात कर रहे हो त्रिकाल चौधरी? पैर से मसल कर चिंगारी बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। ये तो वक्त बताएगा दादा ठाकुर। वक्त की बात मत कर त्रिकाल चौधरी, वक्त अपना खेल खेल चुका है और ये वक्त का ही करिश्मा है कि आज पुलिस कानून अदालत इंसाफ सब आज इस दादा ठाकुर की मुट्ठी में है। मुझे मिटाने का ख्याल छोड़कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ, क्योंकि मैंने ही तेरा ट्रांसफर करवा के तुझे इस शहर में बुलवाया है। तूने तो मुझ पर कायरों की तरह वार किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप को बचाने के लिए तुझसे जो बन पड़े कर लेना, मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा त्रिकाल चौधरी, ये दादा ठाकुर का वादा है। कहो किस लिए बुलाया है मुझे? मेरे बुलाने पे तुम यहां तो आ गई, इससे ये साबित होता है रश्मि कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। देखो मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। विवेक के साथ शादी करके तुम सुखी नहीं रह सकोगी, इस रिश्ते से इनकार कर दो रश्मि। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये अचानक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कहाँ से जाग गया? तुमने तो खिलवाड़ किया था ना मेरे साथ। मेरी चाहत के बदले जो जख्म तुमने मुझे दिया है शायद मरते दम तक भी वो नहीं भूलेगा। दिल जिसे चाहता है
उससे नफरत कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वक्त ने हमारे बीच ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है इंदर, कि मैं उसे पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो बेचारा नाकाम आशिक बियर पी के गम बुलाने की कोशिश कर रहा है ये। मेरी होने वाली बीवी से प्यार करता है ये, मगर वो तो उसे चाहती नहीं है यार। यानी के डर पिक्चर का शाहरुख खान है। लड़की पटाने के लिए मर्दानगी होनी चाहिए, ये तो साला पानी कम चाय है क्या। ओए कितना सोना शॉट मारा है। हेलो, मैं डी के माथुर बोल रहा हूँ दादा ठाकुर। हाँ माधुर साहब बोलिए, कैसे याद किया? दादा ठाकुर मेरा विवेक इस दुनिया में नहीं रहा दादा ठाकुर। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बुरी खबर है, किसी ने विवेक का खून कर दिया। आशा रखिए माधुर साहब, मैं आपके विवेक को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इसके हथियारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक के साथ किसी की जाति दुश्मनी रही हो या आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए। अभी अभी इंस्पेक्टर काम ले आया था, उसने बताया कल शाम एसीपी त्रिकाल चौधरी के बेटे इंदर और उसके बीच में झगड़ा हुआ था, उसने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। इन दोनों का आपसी झगड़ा तो आप जानते हैं दादा ठाकुर, उसने मेरे बेटे को मार दिया दादा ठाकुर। या ओके सी यू लेटर। क्या बात है कामले, अचानक कैसे आना हुआ? सर मुझे अफसोस है, लेकिन फर्ज के आगे मैं मजबूर हूँ, मैं इंदर को गिरफ्तार करने आया। गिरफ्तार? क्या बकवास है ये, क्या किया इंदर ने? सर इसने बिल्डर डी के माथुर के बेटे का खून किया। क्या विवेक का खून हो गया? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो इंदर। इंस्पेक्टर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने विवेक का खून नहीं किया है। कामले तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर इंदर और विवेक के बीच में जहाँ मारपीट हुई थी वहाँ एक काफी शॉप है, और उसी काफी शॉप के एक वेटर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसके सामने इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद उसका खून हो गया। आई एम सॉरी सर, मुझे इंदर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारा बेटा इंदर, वो खूनी नहीं हो सकता। सुधा मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इंदर को गिरफ्तार होने से रोक नहीं सकता। कामले तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। यस सर, चलो। इंदर अच्छा हुआ पुलिस ने तुझे गिरफ्तार कर लिया, अगर इस वक्त तू सलाखों के बाहर होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने विवेक का खून नहीं किया। और ये बात मैं भी यकीन से कह सकता हूँ
कि मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। अब तो अच्छा यही होगा कि तेरा बेटा अदालत में कातिल साबित हो जाए। अगर ये अदालत से बच गया तो दादा ठाकुर की अदालत में इसे एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। पहले मैं 3 पेटी दे चुका हूं, ये रहे बाकी 2 पेटी। थैंक यू अन्ना, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है। दुश्मनी आप लोगों की दादा ठाकुर के साथ है, फिर सुपारी देकर आपने विवेक को क्यों मरवा डाला? इसलिए कि वो दादा ठाकुर के बहन का होने वाला सुहाग था। उसकी बहन का घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ये बात दादा ठाकुर को बहुत तड़पाएगी। अब हम दादा ठाकुर के घर में कभी खुशियों के शहनाई बजने नहीं देंगे। मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कामले, विवेक के मर्डर केस में तूने त्रिकाल चौधरी के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया? इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका फायदा मैंने उठा लिया, ताकि दादा ठाकुर विवेक के कातिल को ढूंढने की कोशिश न करे। वरना अगर दादा ठाकुर को मालूम हो जाए कि विवेक की सुपारी लेकर मैंने उसको टपकाया तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अन्ना, विवेक का मर्डर करवा के तुमने दादा ठाकुर को बहुत बड़ा झटका दिया। इस खुशी में तो जश्न होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। उसका भी बंदोबस्त हो चुका है। देखिए मिस्टर चौधरी, घबराने की कोई बात नहीं, आपका बेटा कोई पेशावर कातिल तो है नहीं, उसकी जमानत हो जाएगी। थैंक यू। हेलो, मैं दादा ठाकुर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, आज तो सर मेरे भाग खुल गए। आपने मुझे फोन किया सर, कहिए कैसे याद किया आपने? तुम त्रिकाल चौधरी के बेटे का केस नहीं लड़ना। जी समझ गया सर, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ सर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा सर। जी आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, मैं आपका केस नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मिस्टर नैलानी, अभी आप मुझसे हमदर्दी जता रहे थे और अचानक आपका माइंड चेंज कैसे हो गया? देखिए मिस्टर चौधरी, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। अब आपका एक केस इस शहर का कोई वकील नहीं देखेगा। क्या? अगर आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं तो मेरा एक मशवरा है, आप दादा ठाकुर की अदालत में चले जाएं। क्योंकि अगर दादा ठाकुर चाहेंगे तो ही आपका बेटा बच सकता है। मिस्टर त्रिकाल चौधरी, मेरे को लगता है विकास और इंदर के बीच जो लफड़ा हुआ उसका फायदा उठाकर दादा ठाकुर विकास का मर्डर करवा दिया, ताकि उस मर्डर के जुर्म में तुम्हारे बेटे को फंसाकर तुमसे बदला ले सके। सर आप तो जानते हैं कि मैं कितना मजबूर था, वरना इंदर बाबा तो मेरे बेटे की तरह है। उसे गिरफ्तार करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुई शायद आप नहीं जानते। पानी की तरह शराब पीने से तुम्हारे अंदर की आग नहीं बुझेगी मिस्टर त्रिकाल चौधरी, तुम्हें चाहिए दादा ठाकुर का ब्लड। ठीक कहा तुमने, उस साला 2 टके का हवलदार जो कल तक पालतू कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाए मेरे पीछे घूमता था, वो आज शेर बनकर मेरे ही सामने दहाड़ रहा है। और किल दैट, आई किल हिम। दादा ठाकुर, ए दादा ठाकुर, कहाँ छुपा है बुजदिल? अरे मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे दादा ठाकुर, बदला लेना है तो मुझसे ले। है मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा? और चुप करो त्रिकाल, बड़ी बकवास किया जा रहा है। चाहे तू हूं दादा ठाकुर के खिलाफ एक लफज भी निकाले ना, मैं तेरी जबान खींच लेगा। नहीं रंजित, दादा ठाकुर मैं जानता हूं तू विवेक का कातिल है। तू मेरे बेटे को फंसाने के लिए
तूने उसका कत्ल करवाया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दादा ठाकुर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विवेक का हत्यारा कौन है इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन अगर मैं चाहूं त्रिकाल चौधरी तो अभी और इसी वक्त तेरी जिंदगी का फैसला कर सकता हूं, लेकिन मौत तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं तुझे जिंदा रखूंगा और तेरी हर सांस में मौत की बेचैनी भर दूंगा, ताकि तू सारी जिंदगी इसी तरह तड़प तड़प कर जीता रहे। रंजीते, इस इज्जत के साथ बाहर छोड़ा। सर, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। आज ये साबित हो गया कि गुंडा ताकत के आगे हम पुलिस वाले कुछ भी नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी से खेलना बहुत भारी पड़ेगा दादा ठाकुर को। त्रिकाल चौधरी जब तक इस वर्दी में है तब तक मजबूर है। जिस दिन कानून की सरहद पार कर गया बचेगा नहीं दादा ठाकुर। सर, कानून हाथ में लिए बिना आप दादा ठाकुर का नाम उसकी जिंदगी की किताब से मिटा सकते हैं। क्रिस्टोफर गोम्स, जो इस वक्त लॉकअप में बंद है, पेशावर कातिल है। अगर आप चाहें तो उसे लॉकअप से भेजकर दादा ठाकुर का काम आराम से तमाम कर पाओ। यू राइट कामले, दुश्मन के साथ अगर खुल के मुकाबला करना मुमकिन ना हो तो उसे दिमाग से मारना चाहिए। हेलो बेटी, मैं इंदर की माँ बोल रही हूँ। बोलिए, क्या बात है? बेटी, मैं इंदर से मिले पुलिस स्टेशन गई थी, वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। अगर हो सके तुम एक बार जाकर उससे जरूर मिल लो बेटी। किसका फोन था? इंदर की माँ का। क्या कहा इंदर की माँ ने? इंदर मुझसे मिलना चाहता है। तुमने क्या सोचा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं समझती हूँ। तू आज भी इंदर से प्यार करती है। देख रश्मि, मेरा दिल ये नहीं मानता इंदर विवेक का कातिल हो सकता है। मेरे ख्याल से तुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं बेवफा हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मगर ये सच नहीं है रश्मि। दरअसल मैं अपने पिता की धमकी से डर गया था कि वो कहीं तुम्हें जान से न मरवा डाले, इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। प्यार मैं तब भी करता था तुमसे और आज भी करता हूँ। हाँ रश्मि, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है रश्मि कि विवेक की हत्या से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने उसका खून नहीं किया रश्मि। पता नहीं आज भी मेरे दिल को यह यकीन है कि तुम मेरी बातों का विश्वास जरूर करोगी। बस यही कहना था मुझे। Thank you.
मिलन जीवन भर का, दिल से दे दिल ले ले हसौता बराबर का हो, दिल से दे दिल ले ले हसौता बराबर का। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए कपड़े बच्चों के लिए लाया हूँ। धन्यवाद, सचमुच इन बच्चों के लिए आप देवता हैं। अरे नहीं, आदमी बस इस दुनिया में ठीक से इंसान बन जाए इतना ही बहुत है। आजा पुत्र, आजा 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 बेटे आजा, चलो तुझे लाइन दे लगे हो, आओ पुत्र आजा, एक एक कर जाओ तुसी, आजा आजा नमस्कार।
Double Sonny Hall! That's it! जाए तुझे कौन चाहता है मेरी मौत? बोल वरना जान से जाएगा। नहीं नहीं मुझे मत मारो, डोंट किल मी। मुझे त्रिकाल चौधरी ने आपको मारने की सुपारी दी थी। दादा ठाकुर के नाम की सुपारी लेने से पहले सोचना चाहिए था कि सांप कितना ही जहरीला क्यों ना हो नेवले का शिकार नहीं कर सकता, समझो? अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो पुलिस कमिश्नर के सामने त्रिकाल चौधरी के खिलाफ तुझे बयान देना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? इज एनीथिंग रॉन्ग? आपने पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पे काली पोत दिया है। आप जैसे जिम्मेदार अफसर से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन लेकिन सर मैंने क्या किया? दादा ठाकुर को खत्म करने के लिए जो प्रोफेशनल किलर आपने भेजा था वो अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। जानता हूँ दादा ठाकुर से आपकी जाति दुश्मनी है। अगर उसका सर कुचलने के लिए आप कानून का सहारा लेते तो आज पुलिस और कानून दोनों का सर फक्र से ऊंचा हो गया होता। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, यू आर सस्पेंडेड। हेलो। तेरे सस्पेंशन के बारे में जानकर खुशी हुई, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो फंदा तूने मेरी मौत के लिए तैयार किया था उसमें खुद तेरी गर्दन फंस गई है। ये सब वक्त का खेल है त्रिकाल चौधरी, और वक्त का दूसरा नाम है दादा ठाकुर। जो वक्त से टकराते हैं उनका यही हश्र होता है। आपके सस्पेंशन की न्यूज मैं अखबार में पढ़ चुकी हूँ, और आज मुझे अफसोस है अपने आप पर कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। शट अप, शट अप। मैं पहले से परेशान हूँ और मेरा दिमाग खराब मत करना। दादा चिल्लाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप इतने गिर गए कि दादा ठाकुर को मारने के लिए आपने किराए का कातिल भेजा?
चाहिए आपको अपने आप पर। काल चौधरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाला। दादा ठाकुर मरेगा और अब मेरे ही हाथों से मरेगा। लोगों को मालूम है अन्ना और त्रिकाल साहब में दोस्ती है, लेकिन सच तो है कि अंडरवर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हाँ, तेरे को मालूम है विवेक को किसने मरवाया? अन्ना ने। और फंस गया वो बेचारा त्रिकाल साहब का छोकरा। बास्टर्ड्स, मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे ही पीठ पे चाकू भोंक दी। दादा ठाकुर से बदला लेने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से खेल गए। खेल इन लोगों ने नहीं, खेल मैंने खेला। इन लोगों ने तो सिर्फ सुपारी दी थी मुझे विवेक को मारने की। इंदर को विवेक मर्डर केस में मैंने फंसाया ताकि दादा ठाकुर की नजर में विवेक मर्डर केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वरना आप तो अच्छी तरह जानते हैं साहब, मैं तकलीफ में आ जाता। देख लूंगा तुम सबको, बचोगे नहीं तुम लोग। त्रिकाल से दुश्मनी लेकर तुम लोगों ने अपना काल बुलाया है। चौधरी, गला फाड़कर मत चिल्ला वरना मुंह के अंदर से जबान खींचकर अपने कुत्ते को खिला दूंगा। तेरा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मेरे को। अब तुझे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर साड़ी पहनकर ताली बजा बजा कर पीक मांगना पड़ेगा मिस्टर त्रिकाल चौधरी। बचकर नहीं जाओगे अन्ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ, मार मार कर इसको गेट के बाहर फेंक दो। आज मुझे एहसास हुआ सुधा, ताकत और दौलत की घमंड इंसान को जानवर बना देती है। मेरे घमंड ने मेरे बेटे इंदर की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मैं टूट कर चूर चूर हो गया हूं। ये सच है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। ये मेरे अपने पाप हैं जो मेरी तबाही बनकर मेरे सामने आए। लेकिन दुख इस बात का है सुधा कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। देखिए पश्चाताप के आंसू इंसान के बड़े से बड़े पाप को ढो डालता है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बेटे इंदर को कुछ नहीं होगा। दादा ठाकुर जो आपसे नफरत करता है वो जायज है, लेकिन मैं कभी उसकी भाभी थी। भाभी जो माँ के समान होती है। मैं जाऊंगी दादा ठाकुर के पास इंदर के लिए इंसाफ मांगने। आप ये समझिए, त्रिकाल चौधरी की पत्नी नहीं बल्कि इंदर की माँ ही है। जो खून के जुर्म में फंसा है, मेरे बेटे ने खून नहीं किया है, वो निर्दोष है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपका बेटा आप निर्दोष है? क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ, विवेक का खून यशवंत और विकास अन्ना ने करवाया है। मेरे पति ने इतने सारे जुर्म ढाए तुम पर कि मैं उनकी तरफ से माफी भी नहीं मांग सकती। लेकिन मैं आज आंचल फैला कर तुमसे भीख मांग रही हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। मैं जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो उसे माँ के शिकंजे से बचा सकती हो। मुझ पर तरस खाओ दादा ठाकुर, मेरे बेटे को बचा लो। तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलूंगी। बस भाभी, बस तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। दादा ठाकुर, मैं जानता हूं कि आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अदालत से बाइज्जत बरी हुआ। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मैं बहुत शर्मिंदा हूं,
मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारे जैसे लोग माफी के काबिल नहीं होते त्रिकाल चौधरी। तुम्हारी पत्नी के आंसुओं के बदले मैंने तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया है। दादा ठाकुर, अब एक उपकार और कर दो। इंदर और रश्मि को एक दूसरे से अलग करने की सजा मैं भुगत चुका हूं। आज मैं खुद अपने हाथ फैलाकर इंदर के लिए रश्मि का हाथ मांगता। हाथ फैलाकर भीख मांगी जाती है त्रिकाल चौधरी, रिश्ता नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं रश्मि का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आसमान पर उड़ने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं कामना। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि वक्त अपने आप को दोहराता है। एक वो वक्त था जब मैं त्रिकाल चौधरी के पास अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने गया था, और आज वो वक्त है जब त्रिकाल चौधरी खुद अपने बेटे का रिश्ता मांगने मेरे पास आया। वक्त की ठोकर ने आज उसे मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के बारे में क्या जवाब दिया तुमने? इनकार कर दिया। कल हम उसके सामने बहुत छोटे थे, आज वो हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है। ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रश्मि के लिए रिश्तों की कमी नहीं, मैं उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़का तलाश कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं इज्जत दौलत शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका हूँ जहां से झुककर त्रिकाल चौधरी की तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बातों से अहंकार की बू आ रही है। ये मत भूलो कि आदमी कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, आकाश में घर नहीं बना सकता। उसे सुकून इस धरती की गोद में ही मिलता है। और तुम शायद ये नहीं जानते कि रश्मि आज भी इंदर से प्यार करती है। त्रिकाल चौधरी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल गई है। मेरे ख्याल से अब उसे माफ कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ माफ कर देने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा महान होता है। रश्मि और इंदर की शादी को हाँ कह दो। अगर इसे में रश्मि की खुशी है तो ठीक है। चाय पीजिए। त्रिकाल चौधरी, इस वक्त मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं इंदर और रश्मि के प्यार का दुश्मन नहीं हूं। मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ थी। मेरा मकसद था तुम्हारे घमंडी सर को अपने कदमों में झुकाना, और उस मकसद में मैं कामयाब हो चुका हूं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे इंदर और रश्मि का रिश्ता मंजूर है। थैंक यू। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है अन्ना। त्रिकाल चौधरी और दादा ठाकुर के बीच में जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। कल इंदर और रश्मि शादी कर रहे। अगर ये शादी हो गई तो त्रिकाल चौधरी दादा ठाकुर के बल पर अपुन लोग से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। इससे पहले मैं गेम पलटी कर दूंगा। मैं चीता की मौत बुला नहीं, कल चीता की बरसी है। और ये खुशी की बात है कि दादा ठाकुर की बहन की शादी भी कल है। दादा ठाकुर के आंखों के सामने मैं इंदर और रश्मि को जिंदा जला दूंगा। उसके बाद मैं चीता की बरसी मनाऊंगा। इंदर, आ, 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 आ,
में सच्चा और अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे ना, तो लो बना लो। अपने आप को संभालो ना। संभालने के लिए मेरी जिंदगी में बचाए गया है। मेरी निगाह में इस मासूम की मौत का कारण तुम हो दादा ठाकुर, क्योंकि जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं बेटी उनका अपना खुद का खून बह जाता है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। हेलो हेलो भैया। रश्मि कहाँ से बोल रही है? भैया मैं वो मैं यशवंत बोल रहा हूँ। यशवंत तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना। अगर फोन पे टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारी बहन और उसका पति जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर हमारे गेस्ट हाउस पे आ जाना। बड़ा हसीन और सुंदर लग रहा है ना ये बंधा हुआ जोड़ा। भैया आओ बच्चू आओ आओ। दादा ठाकुर किधर का दादा और किधर का ठाकुर? पीता आओ दादा ठाकुर। कल हम दोनों तुम्हारे सामने बेबस थे और आज तुम हमारे सामने बेबस हो। देखा टाइम कैसे पलटी का गया और तुम्हारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अन्ना दादा ठाकुर को ये तोहफा नहीं दोगे? ये पट्टा देखकर कुछ याद आया तुम्हें? मेरे भाई चिता, जिसकी चिता जलवाई थी तुमने। चिता तो आज हम भी जलवाए, तेरी बहन और उसके पति को, मगर उसके पहले हम तुम्हें कुत्ता बनाएंगे। यशवंत पट्टा डाल दे गले में। ज्यादा नाटक नहीं दादा ठाकुर, वरना वो दोनों जिंदा जला दिए जाएंगे। ये काला चश्मा जिसे जुर्म की दुनिया का ताज समझकर तो हर वक्त अपने आंखों पे लगाया करता था, लेकिन अब इस ताज की तुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज तेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। मार के रहा और निहत्ता तेरे कब्जे में हूँ। इंद्र और रश्मि को छोड़ दे। कैसे छोड़ दे, अभी तो इनका अंतिम संस्कार बाकी है। इन दोनों के चिता को आग नहीं लगाएगा? धंधो दोनों को पेट्रोल से भिगा दे। दोनों को आने से पहले ही हमारे भाई को मार डाला, मगर हम तुझे एक मौका देते हैं। इस मैचेस की तिल्ली को यहाँ गिराएंगे और आग दौड़ते उन दोनों को जला देगी। अगर इस दौड़ती हुई आग से अपनी बहन और उसके पति को बचा सकता है तो बचा ले। भैया
हथियार। मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है दादा ठाकुर। जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर रहा हूं, इसका ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रश्मि का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। आओ करना। दादा ठाकुर, मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले के मुताबिक 7 साल सजा काटने के बाद फिर देवराज बन गया।